अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा लारा। वेलकम बैक, नई सुबह नए मेहमान। और नई सुबह नए मेहमानों के साथ मुझे मेरी आवाज़ वापस क्यों आ रही है, लगता है मेरा कान बंद है। नई सुबह और नए मेहमानों के साथ जो है, आपको जैसे पता है रोज़ाना न्यू टैलेंट होता है, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी होती है, ऐसे ही आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उनको हमने दावत दी अपने शो पर, पंद से आए हैं बहुत दूर से, तो उनको सबसे पहले थैंक्स करूंगी मैं कि वो इतनी दूर से तशरीफ़ लाए। सिर्फ शो के लिए नहीं आए, वो अपने काम से आए थे, एक तीर से दो शिकार कर लिए, लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे आप सबकी फेवरेट पर्सनैलिटी नौमी बादशाह और उनके फ्रेंड मदी भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौमी कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मदी आप कैसे हो? ठीक। अभी तिलावत करोगे? नहीं नहीं। अच्छा, बिल्कुल ये बैठा हुआ है ना, तिलावत करेगा कुरान शरीफ, माशाल्लाह ला के दें आपको। क्या हाल है, तबीयत ठीक है? ठीक। आने में कोई तकलीफ? तकलीफ नहीं हुई, बस थोड़ी ट्रैफिक थी, फंस गए। बस ट्रैफिक थी, फंस गए थे आपको? आप तो मदी भाई को कोई तकलीफ नहीं होती? तकलीफ है मुझे कुछ नहीं। ये तो सोता रहता है मुझे लगता है। नहीं नहीं, या बंटी सोता रहता है? बंटी सोता रहता है। हाँ, अच्छा भाई, नौमी से हम ये पूछते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या पूछे, सबसे पहले तो मास्क का पूछते हैं भाई, आप मास्क क्यों पहनते हैं? नजर लग जाए वो सही नहीं है। यार फिर भी क्यों पहनते हैं? ऐसे ही यार, मैंने जब शुरू शुरू में टिकटॉक स्टार्ट की थी तो मैंने मास्क नहीं पहना था, तब मेरी वीडियो वायरल ही नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने मास्क पहना, मतलब एक ट्रेंड बन गया, तो मेरी वीडियोस वायरल होने लगी, तो मैंने बोला क्यों ना। लेकिन मैं एक बात कहूँ, वैसे नौमी जो है मास्क के बगैर ज़्यादा खूबसूरत है। वो तो हूँ, मुझे भी पहनते हो, नज़र ना लग जाए। नज़र नहीं लगे ना। क्यूट सा हमारा भाई नौमी है, जब ये फर्स्ट टाइम आया था शो पर, बर्थडे पे मेरी, तो हम सब ने उसको ऐसे पकड़ लिया था जैसे वो एक महफिल में बच्चा नहीं होता छोटा सा, उसको सब पकड़ते हैं कि भाई ये नौमी अक्सा ने, हम सब ने कि यार ये तो बिल्कुल, हम तो पहले लड़की समझ रहे थे ऐसे कि ये लड़की कहाँ से आ गया है, और लेकिन पता चला भाई लड़का है। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो नौमी? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में, आगे क्या प्लान्स हैं फ्यूचर? फर्स्ट ईयर ही तो पहले क्लियर हो जाए, फिर आगे का सोच लेंगे। क्यों, मुझे लगता है पढ़ाई लटक लटक के की, पढ़ाई लटक लटक के की। मैट्रिक में क्या मार्क्स थे? मैट्रिक में मार्क्स याद नहीं है, एक ग्रेड ए था। तो यार अच्छा ग्रेड आया? नहीं, वो ऐसे ही आ गया था, कोरोना। कोरोना आ गया, दुआएं दो तुम कोरोना को। तभी तो मैंने मास्क पहन लिया। मुझे लग रहा है आप, आपको कोरोना से इतना प्यार हो गया कि आपने मास्क उतारा ही नहीं। मदी भाई आप कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर। अच्छा, गलती से आ गए आप? गलती से आ गए। तो फ्यूचर में क्या बनना है? जो नसीब में लिखा हुआ होगा, बस कुछ बन जाओ, कुछ इंसान ही बन जाओ, इंसान बन जाओ, बस ये है। नौमी आप ये बताओ, यूट्यूब के बारे में क्या कहोगे? एक अच्छा यूट्यूबर व्लॉगर भी है, सबसे पहला व्लॉग हमारी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत प्यारी बहन, सिंध की बहुत प्यारी फनकारा फायजा अली का व्लॉग था जो वायरल गया था, उसमें क्या था ऐसा? उसमें यार ऐसा तो कुछ भी नहीं था, मैं बस ऐसे ही गया था, मैं ऐसा गया भी नहीं था, मैं गुजर रहा था, फायजा अली की कोई शादी का इवेंट था, पता नहीं क्या था, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो बच्चे खड़े थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या हो रहा है अंदर, तो उन्होंने बोला फायजा अली की शादी हो रही है, मैंने ऐसे मजाक में व्लॉग बना लिया और वो इतना वायरल हो गया। अच्छा, तो मतलब आप भी हाल के बाहर खड़े हुए थे? नहीं नहीं, मैं खड़ा, मैं यार गुजर रहा था। गुजर तो रहे थे, आशिकों की लाइन वाला, आशिकों की लाइन लगी हुई थी ना। तो आपने कहा मैं भी खड़ा हो जाऊं, मैंने बोला क्यों ना हम भी खड़े हो जाएं। तो कितनी बड़ी लाइन थी? लाइन तो अभी मैंने नहीं गिनी, लेकिन बच्चे थे वो, मतलब बच्चे भी थे और बुड्ढे भी खड़े थे बड़ी। यार बुड्ढे क्यों खड़े थे? वो मेरे को क्या पता क्यों खड़े थे। बस टॉपिक चेंज, मतलब हम दूर कहीं निकल जाए तो हम आते हैं अपने शो पर। तो ये दूसरा व्लॉग फिर कौन सा वायरल गया? दूसरा व्लॉग बस उसके बाद फायजा अली के व्लॉग के बाद सारे व्लॉग अच्छे जा रहे थे, और फिर रिसेंटली मैंने लास्ट व्लॉग पोस्ट किया आपके बर्थडे का, उस पर भी अच्छे व्यूज आ गए। गलती से। तो बर्थडे पे बहुत इंजॉय किया आपने? बर्थडे पे बहुत इंजॉय किया। मदी भाई तो नहीं थे? मदी भाई नहीं है। मदी भाई यू मिस्ड दैट, आपने वो इवेंट खो दिया है। इतना एंजॉय किया, ये आप नौमी से पूछे, नौमी कितना एंजॉय किया? बहुत। कवाली नाइट सीन्स थे पता है आपको? वो मैं स्टिक देख रहा था। आपका दिल जले हो गए होंगे आप तो? दिल जलता ही नहीं, ऐसा दिल ही नहीं रखते, ऐसा दिल ही नहीं रखते। ये तो सुना था दिल ऐसा रखते नहीं है जो कोई तोड़े, जले वाला क्या सीन आ गया, नया ट्रेंड आ गया, सॉफ्टवेयर अपडेट।
अपडेट्स अपडेट होते रहते हैं भाई सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पर। अच्छा नौवीं बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये लड़ाई करोगी आप? यही समझो। नहीं यार बेस्ट फ्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं है, सब दोस्त हैं। सब दोस्त। लेकिन एक होते ना आपकी वीडियोस कौन बनाता है? वीडियोस मेरी कोई भी बना लेता है जो भी साथ होता है। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड नहीं है। होगा बताना नहीं चाह रहे? नहीं 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 है बेस्ट। अच्छा नौवीं एनी क्रश? कौन वो बता दो? बता दो नेम। अलिश्पा अंजुम। अलिश्पा अंजुम, वाह वाह। उर्दू टिकटॉकर आई थी? हाँ, जन्नत मिर्जा की बहन है ना। अच्छा क्या बात है, जन्नत मिर्जा की बड़ी लेवल वाली क्रश है। तो हम भी लेवल वाले हैं। अच्छा और आप किसी के आप क्रश? बहुत, मेरे पास तो बहुत डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। अब किस किस को रिप्लाई दूँ? किस किस को रिप्लाई दूँ? खैर है, दिल खुश करो लोगों का। नहीं नहीं, दिल खुश करने के चक्कर में फिर लोग कुछ ज्यादा और हो जाते हैं, फिर सही नहीं है ना। किसी का दिल तोड़ना नहीं, दिल तोड़ना नहीं चाहिए। सही बात है। आप किसी के साथ आप किसी को लाइक करते हैं? हाँ। किसको? किसको? जाहिर सी बात है यार, किसको लाइक करते हैं? जाहिर सी बात है, लड़की और कौन होगी। यार लड़की नाम? नाम नहीं बता सकते। नाम नहीं बता सकते? तो सोशल मीडिया की है? नहीं नहीं, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से बहुत दूर है। दोस्त है? हाँ दोस्त थी पहले। दोस्ती अभी क्या है? अभी भी दोस्त है, बहुत अच्छी। नमी कितना शर्मा रहा है। मदी भाई आप समझाएं ना इसको। ऐसी बातें पूछ रही है क्या? बस दोस्त से थोड़ा सा ऊपर, दोस्त से ऊपर चले जाएं। बस समझ गई मैं, इशारा अकलमंद के लिए काफी। ऐसे तो हूँ नहीं लेकिन इस इन मामलात में मैं समझ जाती हूँ। मदी भाई आप क्या कहेंगे इसके बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में? देख के क्यों बता रहे उसको? देखा नहीं है क्या? कैमरे में देख के बताएं। मैं क्या कहूँ, बस जो काम कर रहे हैं बस वही करते रहे। क्या रिलेशन वाला? नहीं नहीं, व्लॉगिंग वाला जो है। ऐसे बोले ना, खुल के बोले। हमारा टॉपिक व्लॉगिंग जो कर रहे हैं वो बस चलती रहे ऐसे ही, और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके हैं बस। और अच्छे अच्छे व्लॉग लेके हैं। अच्छा काफी मैंने देखा है फैंस को इंतजार होता है नौमी के व्लॉग्स का, कि नया व्लॉग कब आएगा। नौमी अब नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होगा और कब आएगा? यार मेरी तो कोशिश होती है मैं डेली व्लॉगिंग करूं, लेकिन डेली व्लॉगिंग बहुत मुश्किल है। एडिट करना अपलोड करना बहुत मुश्किल है। एक तो मेरा फोन भी फुल हो गया है। एक और आईफोन ले लें आप? नहीं नहीं, इतने कुर्ता बेचना पड़ेगा। क्यों यार? बस ऐसे तो नहीं बोले। आईफोन 14 है अभी आपके पास? 13 प्रो मैक्स। तो 14 कब ले रहे हैं? 14 में सुना है मसले आ रहे हैं आपकी तरह। यार ऐसे गेस्टों की मैं बजाती हूँ आज, ये तो उल्टा सीन मेरे साथ हो रहा है। अच्छा नबी मुझे ये बताओ कि फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपकी? फेवरेट टिकटॉकर मेरी अलिश्पा अंजुम है। सिंधी में? सिंधी में लाइक नहीं करता किसी को। यार ऐसे बेइज्जती तो नहीं करो सिंधियों की, खुद सिंधी और सिंधी में मैं लाइक नहीं करता किसी को। कोई फेवरेट ही नहीं है तो झूठ क्यों बोलूं? गर्ल बॉयज में? बॉयज में सिंधी में। उर्दू में? उर्दू में भी कोई नहीं है। लड़के पसंद नहीं है? लड़के क्यों पसंद करूं? यार मतलब वीडियोस के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से? नहीं नहीं। नो वन? नो। सिंगर्स में? सिंगर्स में फायजा अली। बस तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ। हंसते हो? और बॉयज? बॉयज में कोई भी नहीं। मुमताज मौलाई? नहीं नहीं, मुमताज मौलाई नहीं, वो यार जलाल चांडी नहीं, शायद उमरानी, शायद बबड़, क्या नाम है उसका? हाँ शायद बबड़ ही नाम है शायद। यार हमारा तो उमरानी फेवरेट है। उमरानी? अभी आप दिल जले होंगे ना। आप नहीं है? नहीं नहीं, हम नहीं है। ये मैं बताऊँ फिर ऑन ईयर कि नहीं है? आप बता दें। तो गाइस नौमी बादशाह जो है, अच्छा नौमी बादशाह, बादशाह क्यों बोलते हैं? पता नहीं किसने बादशाह किसने बोला था आपको? मैंने खुद ही नाम रखा था अपने फेसबुक का, जब तब छोटा था मैं। अभी भी छोटे ही हो? मतलब जब काफ़ी छोटा था तो मैंने ऐसे ही मजाक में रख दिया नौमी बादशाह। तो बाहर मुझे सारे दोस्त बादशाह बुलाते थे तो मुझे अच्छा लगता था, उसके बाद मैंने बस। मदी भाई आपसे इसको कितने टाइम होगी दोस्ती को? मदी भाई मेरा कजन है। बचपन फिर साथ खेला होगा? बचपन साथ ही गुजरा। तो इस ये कैसा लड़का है? लड़का जैसा आपको नजर आ रहा है? मतलब नेचर वाइज? इसकी बुराई बताओ आप। बुराई तो कोई भी नहीं है। बताओ एक कुछ तो होगी बुराई। बस नाराज हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी, नाराज हर बात पे छोटी छोटी। फिर मानता है नहीं?
जब साथ बैठे में माना है ना, जल्दी मानते हैं देर से मानते हैं, हमें भी पता चले, थोड़ा सा टाइम लगता है। कैसे मनाते हो? मैसेज करना पड़ता है। मैसेज पे मान जाता है? मैसेज पे मान जाता है, बुलाओ, फूल वूल लेकर जाने पर। नहीं नहीं, वाला वाला सीन नहीं, फूल वाला। अच्छा, कोई निभाने भी है। तो आप इसको मैसेज करते हैं, ये मान जाता है, कोई मिठाई ले गए, केक? नहीं नहीं, ये कोई सीन नहीं, बस ऐसे ही मान जाता है बस। फिर तो तुम सस्ते हो यार, बस दोस्त हैं, क्या करूं। अच्छा अच्छा मदी भाई, ये इसकी सबसे अच्छी बात कौन सी है? अच्छी बात? सारी बातें अच्छी है, कौन सी हुआ? तो ये तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी लड़की हो, सारी बातें अच्छी। नहीं तो ना बुराई कर सकते हो ना तारीफ कर सकते हो। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात सोच, सोचो सो जाए हम थोड़ा खाना वाना खाए तो सोचे। मदी भाई सोच ले तब तक, बहुत सारी है, क्या बताऊं? एक बता दो, एक बता दो मदी भाई। बुराई का बोला तो कोई नहीं है, तारीफ का बोला तो बहुत सारी निकल आई। तो बहुत सारी है ना, तो ये ज्यादा नहीं। केयर बहुत करता है, बहुत ख्याल रखता, बहुत ख्याल रखता। कितना? बहुत ज्यादा। ये तो मुझे कुछ और ही सीन लग रहा है, केयर बहुत करता है मतलब ख्याल रखता है, माने केयरिंग है, लविंग है। हां केयरिंग है, लविंग तो किसी और के लिए है ना यार। केयरिंग है, लविंग है, और हमारे भी बहुत जो है क्या कहते हैं फैमिली की तरह है नौमी बादशाह। जब दिल करता है याद कर सकता है मुझे, और तंग भी करता है, मैं भी तंग करती हूँ रात को। अच्छा ये इसकी आदत है, मैंने आप में आपने नोट किया? अच्छा आपको पता है, काट देता है अगर उठाओ नहीं तो फिर करता उठाता नहीं है। ये नोट की है आपने? वरी मया रह देता है। हुआ ये था कि मैं बात कर रहा था किसी से, आपकी कॉल आ रही थी। ओ। तो असल में हमारा फड्डा हो गया इस बात से कि ये कॉल्स क्यों आ रही है। मैंने बोला मेरी फ्रेंड है तो इसलिए बस फड्डा हो गया। फड्डा हो गया तो बात यार, ये काफी मसले क्यों है पता नहीं, काफी फ्रेंड्स इनके रिलेशन में मैं ही अड़ जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे निकालो, तुम लोग खुश रहो। नहीं मैंने उसको समझा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं समझाया उसको। आपने तड़ी दी? तड़ी नहीं दी, मैंने उसको अर्ज किया, रिक्वेस्ट की है भाई के हाथ बांध के कि जस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा मदी भाई क्या मैसेज देंगे? आपको टिकटॉक का शौक नहीं है? मदी भाई भी टिकटॉकर हैं यार, कैसी बातें कर रही है। टिकटॉकर हैं, यूट्यूब का शौक? यूट्यूब का शौक नहीं है, भाई के साथ बना लेते हैं। आपको चाहिए आप भी इनकी तरह देख के व्लॉगिंग करें? साथ बनाते हैं दोनों। नहीं आप अपना चैनल भी बनाएं? अलग बनाने का कोई वो नहीं है अभी, शौक नहीं उसका। बोलो उसको चलाएगा कौन? मैं अपने आप को चला लूं, बड़ी बात है, चैनल को कौन चलाए? क्योंकि मुझे लगता है मदी बड़े सुस्त है। मदी भाई थोड़े सुस्त है। हाँ थोड़े। नौमी इस मामले मामलात में एक्टिव है। नौमी फैमिली का सपोर्ट? फैमिली का सपोर्ट बहुत है यार, मुझे अपने बाबा बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा कितने बहन भाई हैं आप? चार भाई हैं। चार भाई हैं? सिस्टर नहीं। अच्छा बाकी भाई छोटे हैं बड़े हैं? बड़े हैं। सबसे छोटे, छोटा पीस आप? बड़े वाले भाई भी टिकटॉक पर है? नहीं नहीं कोई भी नहीं है सोशल मीडिया। मेरा भाई बड़ा वाला UAE में बिजनेस है उसका अभी, लेकिन अभी अभी वापसी आया है, भी कह रहा है कि यूरोप जाऊंगा, तो देखते हैं क्या। तो वो लोग आपको देखते होंगे टिकटॉक पर? मेरा यूट्यूब चैनल वो भाई चल करता है। अच्छा वो रन करता है, तो वो बड़े खुश होते होंगे कि भाई इतना एक डेफिनेटली सिंध में नाम भी कमाया, और काफ़ी सिंधियों का प्यार है हमारे सिंध का, तो खुशी होती होगी। अच्छा सिंधी साउंड्स पे वीडियोस काफ़ी सारी आपकी होती हैं? हाँ सिंधी साउंड्स पसंद होते हैं मुझे, क्योंकि सिंधी है इस वजह से। सिंधी है। अच्छा सिंधी साउंड ज़्यादा किसके यूज़ करते हैं, कौन से सिंगर्स के? मुझे पता ही नहीं होता कौन सा सिंगर है, बस साउंड जो अच्छा लगता है। आजकल तो वो चल रहा ना मत्ता समझोता पोड़ोवा, क्या कहना चाह रही हैं यार? अल्लाह अल्लाह करो गाइस, ये तो नवी बात है यार। मदी भाई हमारे शो पर, नवी क्या मैसेज देंगे अपने देखने वाले फैंस को, व्यूवर्स को, और आगे के लिए इन फ्यूचर? मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है, बता दी तो मैं लिख कर आता यार इंटर का पेपर है क्या, लिख कर आते बस जो भी। अच्छा नौमी आप बालों को बार बार बड़ा सेट करते हैं। मेरे बाल है ना थोड़े अजीब हैं, बार बार नीचे आ जाते हैं। आप बालों को अजीब कह रहे हैं, आप खुद अजीब हैं, बालों को क्यों नुकसान दे रहे हैं? क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को? मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है यार। यार कोई पढ़ के बुला दे, व्हाट्सएप कर दूंगा सबको मैसेज सबको यार कुछ चलो मैं दूं तुम्हारी तरह से। भाई नौमी ये कह रहा है टिकटॉक पे
वर्कआउट करें, जिस जिसको मेहनत करनी है आ सकता है तारा लारा के शो पे, लेकिन अच्छी फॉलोअरशिप गेन करें, यूट्यूब पे वर्कआउट करें, व्लॉगिंग करें जैसे कर रहे हैं। और व्लॉगिंग यूट्यूब बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं सबको ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग यूट्यूब पे आएँ। और ये बहुत मेहनत की नॉमिन है यूट्यूब पे, ऐसे कोई परचेजिंग वाला सीन नहीं है, ऐसा ही है। जो चैनल मोनेटाइज हुआ वो रियलिटी बेस पे हुआ है। मदी भाई आप क्या मैसेज देंगे, या आप भी व्हाट्सएप करेंगे? व्हाट्सएप कर दूं। आप इंस्टाग्राम पे कर दीजिए। चलें सही है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे चलवा दूंगी। ओके ये भाई व्हाट्सएप वाले लोग हैं तो इसीलिए ये व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं आप सबको कल आके बता दूंगी मैसेज। गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल। नोमी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू मदी भाई आप आए, और थैंक यू मेरा मैं शो करने के लिए आई, क्योंकि इन लोगों ने तो करना नहीं है, तो नवाज भाई ने भी नहीं करना। तो गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों को रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।